रामलला की भूमि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गिरिडीह पुलिस संवेदनशील है। एसपी दीपक कुमार शर्मा खुद शहर की निगरानी कर रहे हैं, तो शनिवार को हजारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर ने भी खुद गिरिडीह में कैंप किया और एसपी कार्यालय में एएसपी गुलशन तिर्की, एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान और बेंगाबाद सर्किल इंस्पेक्टर ममता कुमारी के साथ बैठक की। इस दौरान डीआईजी सुनील भास्कर ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए और अगले 3 दिनों तक हर अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का सुझाव दिया। इस दौरान डीआईजी सुनील भास्कर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गिरिडीह पुलिस अलर्ट पर है, हर संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जा रही है, जबकि इलाके में गश्ती जारी है। डीआईजी ने कहा, अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जिले में हो चुकी है, तो रैप की एक कंपनी पहले से जिले में है। अगर किसी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी तय है। जबकि शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में न्यू पुलिस लाइन में हर हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान एसपी ने खुद पुलिस जवानों को आर्म्स के साथ दंगाइयों से निपटने का टिप्स दिया। उधर पचम्बा थाना पुलिस ने डीएसपी श्याम महतो और थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के साथ पूरे पचम्बा में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के क्रम में ड्रोन कैमरे से पचम्बा के घर घर की तलाशी ली गई। कुछ घरों के छत पर पत्थर के ढेर भी पड़े मिले, तो डीएसपी और थाना प्रभारी ने वैसे घरों के मालिकों को सख्त निर्देश दिया और वक्त रहते हुए पत्थर के ढेर हटाने का सुझाव दिया। पूरे रेंज की स्थिति देखा जाए तो पुलिस मुख्यालय स्तर से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग फोर्सेस मिली हैं संख्या में, इवन डीआईजीज को, आईजीज को भी रिजर्व फोर्स मिला है। तो इन सबका डिप्लॉयमेंट प्लान ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है और डायरेक्शंस भी दिए जा चुके हैं कि फ्लैग मार्च कीजिए। जो हमारी क्यूआरटी है, एंटी राइड जो हमारा यूनिट है, उसको भी तैयारी हालत में रखा गया है। उनको मॉक ड्रिल्स कराए गए हैं। हमारे पास प्लास्टिक बुलेट्स और रबर बुलेट्स, टीयर गैस शेल्स, टीयर गैस गन्स, वो सारी रेडी अवस्था में है। तो उसी का मैं जायज़ा लेने आया हूँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ अभी जो छुटपुट घटनाएं हुई यहाँ पे, तो उसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता से, गिरिडीह पुलिस ने बड़ी तत्परता से उसको कंट्रोल किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति एकदम नॉर्मल है। तो बस उसी चीज़ को हम लोग एक बार समीक्षा करने, रिव्यू करने, वो डिस्ट्रिक्ट में हैं ऑलरेडी जी, तो उनको रेडी मतलब स्टैंड मोड में रखा गया है। दे आर इन अलर्ट पोजिशन, सो दे विल बी डिप्लॉयड व्हेनेवर नेसेसरी। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।